दोस्तों इंडिया में एक गांव ऐसा भी है जिसे महाभारत के समय का बताया जाता है और इस गांव के बारे में कई रहस्यमयी बातें सुनने को मिलती हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद माना गांव की। इस गांव को द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह गांव बद्रीनाथ से 3-4 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 19,000 फीट है। ये गांव इंडिया और तिब्बत बॉर्डर से 24 किलोमीटर पीछे है और इस गांव की टोटल पॉपुलेशन 400 लोगों की है। दोस्तों आज हर कोई जिंदगी में एक बार माना गांव जरूर जाना चाहता है और जो भी यात्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाता है वो भी माना गांव जरूर जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या है माना गांव में जो हर कोई इसकी तरफ खींचा चला जाता है। आइए जानते हैं। वैसे तो उत्तराखंड राज्य अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। लेकिन माना गांव से काफी सारी रोचक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि इस गांव का अस्तित्व महाभारत के समय का है और इस गांव से स्वर्ग जाने का रास्ता निकलता है। मुस्कुन गुफा गणेश गुफा और गुफा व्यास जी महाभारत लेके जना तब बने इतिहास जी, महाभारत दिखा तब इतिहास बना। जब कौरवों और पांडवों के युद्ध के बाद पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर निकले थे तब उन्हें इसी गांव से होते हुए स्वर्ग का रास्ता मिला था। दोस्तों पहले इस गांव के बारे में काफी कम लोग जानते थे और इस गांव का उल्लेख बस पौराणिक ग्रंथों में ही सुनने को मिलता था, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए एक तो यातायात के साधन नहीं थे और यहां पहुंचने का रास्ता भी काफी कठिन था। ये इलाका आधे साल बर्फ से ढका रहता था, इस वजह से साल के पूरे 6 महीने यहाँ के लोग बाकी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते थे। लेकिन अब पक्की सड़कें बन जाने से पर्यटकों का इस गांव में आना जाना काफी बढ़ गया है। खासकर जब से सोशल मीडिया में इस गांव की खूबसूरती की तस्वीरें वायरल हुई हैं, तब से कई लोगों के मन में एक बार इस गांव में घूमने की इच्छा जरूर होती है। बस यही कारण है कि आज देश के हर कोने से हजारों पर्यटक यहां आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भारत का एक ऐसा गांव है जो धरती पर चारों धामों से भी ज्यादा पवित्र है। इस गांव को किसी भी पाप और श्राप से मुक्त बताया गया है। दोस्तों इस गांव में एक पुल मौजूद है जिसे महाभारत काल का बताया जाता है और इसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। इस गांव से जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य ये भी है कि सरस्वती नदी जिसे आज विलुप्त माना जाता है वो आज भी इस गांव में देखी जा सकती है। दरअसल इस गांव के आखिर में एक झरना है जिसका पानी चट्टानों के बीच से गिरता हुआ अलकनंदा नदी में मिलता है। इसे ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहां पर मौजूद सरस्वती नदी से रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने उन्हें रास्ता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अपनी शक्ति के लिए मशहूर महाबली भीम ने बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रखकर रास्ता बनाया था, जिसके बाद पांडव उन चट्टानों पर चढ़कर आगे बढ़ गए। माना गांव के आसपास कई दूसरी ऐतिहासिक जगहें भी मौजूद हैं। इनमें से एक है व्यास गुफा और दूसरी है गणेश गुफा। कहा जाता है कि व्यास गुफा में वेदव्यास जी ने महाभारत को बोलकर भगवान गणेश जी से लिखवाया था। जब गणेश जी वेदों की रचना कर रहे थे तब सरस्वती नदी अपने तेज बहाव पर बह रही थी। नदी के तेज बहाव से काफी शोर हो रहा था। वेदों की रचना में खोए हुए गणेश जी ने जब सरस्वती नदी से कहा कि वो शोर कम करे क्योंकि उनके इस तेज बहाव से गणेश जी को काम करने में बाधा हो रही थी, लेकिन सरस्वती नदी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज होकर गणेश जी ने सरस्वती नदी को ये श्राप दिया कि आज के बाद तुम किसी को भी नजर नहीं आओगी, और तब से सरस्वती नदी बिल्कुल विलुप्त हो गई। माना गांव के भीमपुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुंधरा फॉल्स भी है। इस वाटरफॉल में पानी 400 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और ये नजारा काफी खूबसूरत होता है। ये पानी बिल्कुल मोतियों के समान दिखाई देता है। इस वाटरफॉल को लेकर भी एक मान्यता है कि इस झरने का पानी पापियों को नहीं भिगाता, यानी अगर आपने कोई पाप किया है तो झरने की एक भी बूंद आपके तन पर नहीं गिरेगी। ऐसी भी मान्यता है कि जो भी इस गांव में आता है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दोस्तों माना विलेज में काफी ठंड पड़ती है और ये इलाका पूरे 6 महीने के लिए बर्फ से ढका रहता है। विंटर शुरू होते ही इस गांव के लोग चमोली के दूसरे गांव में चले जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पूरे देश का एकमात्र ऐसा इंटर कॉलेज है जो 6 महीने माना में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। 6 महीने लगातार बर्फ से ढके होने के बाद भी जैसे ही बर्फ पिघलती है ये इलाका फिर से हरा भरा नजर आने लगता है, यानी इतनी बर्फ पड़ने के बाद भी ये इलाका बंजर नहीं है। अगर यहाँ पैदा होने वाली फसलों की बात करें तो यहाँ की मिट्टी आलू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ भोजपत्र भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इन्हीं भोजपत्रों में सभी पौराणिक ग्रंथों की रचना की गई थी और प्राचीन समय में सारे लेखक
और कवि भी लिखने के लिए इन्हीं भोजपत्रों का इस्तेमाल किया करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भोजपत्र एक भोज नाम के पेड़ से निकलने वाली छाल का नाम है, जो सर्दियों के दिनों में पतली पतली परतों के रूप में निकलती है और इनको सदियों पहले से कागज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ बड़ी संख्या में भेड़ और बकरी का पालन किया जाता है, लेकिन सर्दियों का मौसम शुरू होते ही पशुओं को माना से नीचे लाना और सर्दियां खत्म होते ही इनको वापस ऊपर ले जाना काफी कठिन कार्य होता है, इसीलिए लोग अब कम संख्या में पशुपालन कर रहे हैं। दोस्तों, ये विलेज जड़ी बूटियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पाए जाने वाली जड़ी बूटियाँ हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। दोस्तों, अगर आप भी माना विलेज जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा और यहाँ से नेशनल हाईवे 58 के द्वारा आसानी से माना गाँव पहुँचा जा सकता है। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो हरिद्वार यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से 275 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो आप भी अगर इंडिया के सबसे आखिरी गांव के लोगों की लाइफ, यहाँ की खूबसूरती को फील करना चाहते हैं तो एक बार माना विलेज जरूर आएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।